नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। यूपी बहराइच बहराइच ग्राम पंचायत अधिकारी के पद तैनात मनीष प्रताप सिंह सोमवार को तड़क अपने सिविल लाइन्स स्थित आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक मनीष पिछले कई महीनों से औसत गृहस्थी में, इनका लखनऊ में इलाज भी चल रहा था। मनीष प्रताप सिंह के पिता सम्मानित जज केपी सिंह ने बताया, कुछ विभागीय समस्याओं के कारण वो मानसिक रूप से परेशान थे, जिससे अवसर ग्रस्त रहने लगे थे, जिस पर इन्हें कार्यालय से संबंध करा दिया गया था और इनका उपचार लखनऊ स्थित एक चिकित्सक के यहाँ कराया जा रहा था। इन्होंने बताया कि रात 10 बजे तक वो बिल्कुल सामान्य था और उनसे बातचीतें की, इसके बाद सोने के लिए चले गए और सुबह 6 बजे उनका से एक कमरे में पंखे से लटकता पाया गया। उन्होंने नायलैंड की रस्सी से आत्महत्या कर ली गई। घटना की सूचना थाना कोतवाली देहात की पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिव को पंचनामा करने भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मनीष की मौत की सूचना पाकर उनके पड़ोसी व विभागीय सहयोग के अतिरिक्त रिश्तेदारों को भी जमा उमड़ा उनके आवास पर लगा हुआ है। खास रिपोर्ट रोचि कुमारी के साथ। पीएस कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिविल लाइन निवासी मनीष प्रताप सिंह सनाफ कसपाल सिंह उम्र लगभग 53 वर्ष ने फांसी लगा लिया है। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली देहात की पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई के पश्चात डेड बॉडी को पीएम हेतु रवाना किया गया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। ब्रेकिंग न्यूज, जनपद जालौन और आई में जन अधिकार पार्टी ने कलेक्ट्रेट में जाकर किया धरना प्रदर्शन। संवाददाता उपेंद्र कुशवाहा के साथ नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। खबर चंदौली के अभियुक्त राजू सिंह के संपत्ति को किया गया क्रूर। वहीं दूसरे अभियुक्त राजू सिंह ने प्रशासन पर मढ़ा आरोप, बताया कि बिना सूचना और बिना कोई नोटिस के संपत्ति को क्यों किया गया क्रूर, जिसमें मेरे पिताजी सिया राम सिंह को भी संपत्ति की गई क्रूर, जबकि शराब व्यवस्था चलाने के लिए मेरे पास था लाइसेंस। खास रिपोर्ट रविशंकर मिश्रा के साथ। राजू सिंह, मेरे पिताजी का नाम श्री सिया राम सिंह है, मैं चंदौली जनपद का रहने वाला हूँ, चंदौली वार्ड नंबर 15 का निवासी हूँ मैं। आपके ऊपर जो है गंभीर के तहत आपको संपत्ति की जिला प्रशासन द्वारा, उसके क्या कहना है? जैसा कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पिताजी की संपत्ति है और जो कि 2011 में खरीदी गई थी उनके द्वारा। मेरे ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, जिसमें कि दिखाया गया है कि 2018 से 20 के बीच में मैं इस काम में संलिप्त था और इस संपत्ति का जो ब्यौरा है ये 2011, 10 और 11 का है। तो इस संपत्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पिताजी की अर्जित की हुई संपत्ति है ये, लेकिन इस संपत्ति को उसमें अटैच किया गया है और इस कार्रवाई के तहत इसको भी इन्होंने जिला प्रशासन ने शामिल किया है। इसके द्वारा अटैच किया गया संपत्ति? ये हमारे जिला प्रशासन द्वारा शामिल किया गया है। कहां कहां की संपत्ति खुद की गई है? हमारी टोटल 3 संपत्ति का ब्यौरा दिखाया गया है, जो कि एक ये चंदौली जीटी रोड पे स्थित है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, और दूसरी संपत्ति बबरी रोड पे है चंदौली में, और तीसरी संपत्ति जसरी गांव के पास है। ये संपत्ति 2011 में खरीदी गई है
बबरी रोड वाली संपत्ति 2017 में खरीदी गई है और जो जसरी गांव की संपत्ति है वो 2014 में खरीदी गई है। ये तीनों संपत्ति मेरे कैरियर से पहले की खरीदी गई है, मेरे पिताजी द्वारा खरीदी गई है और मेरे ऊपर जो कार्रवाई हुई है ये 2018 से 20 के बीच की कार्रवाई है। इस दौरान इन लोगों ने ये सारी पिताजी की संपत्तियों को मेरे नाम से सारी इसमें दिखाया गया है और गैंगस्टरी कार्रवाई में इन तीनों संपत्तियों को सीज किया गया है। अब एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन बिना किसी सुनवाई के बिना किसी आगे की जानकारी लिए हमारे खिलाफ मेरे अगेंस्ट में एक्शन ले रही है। मैं चाहता हूं कि जिला प्रशासन इन सारी चीज़ों की जानकारी ले, पूरा ब्यौरा ले, कहां से मैंने क्या किया है और मेरे पिताजी ने क्या किया है वो सारी चीज़ें अलग है। मैंने कोई अवैध काम नहीं किया, मैं एक शराब का लाइसेंसी व्यवसायी था और लाइसेंसी व्यवसायी होने के नाते शराब अपने आप में बदनाम चीज़ कही जाती है, लेकिन मेरे लिए एक मेरा मात्र व्यवसाय था और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे पेपर हैं, मैंने लाइसेंस लिया था, यहाँ पे मैं होलसेल का कारोबार करता था और उसी बीच में कहीं ना कहीं मैं मुझे गलत तरीके से गलत षड्यंत्र में फंसाया गया और फंसाया गया जिला प्रशासन द्वारा। कहीं ना कहीं ये हमारे कह सकते हैं कि हमारे विरोधियों का साजिश रहा होगा या फिर जिसका भी हो, मैं इन सब चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से अवगत नहीं हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ़ जो कार्रवाई हुई है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये एक तरफा कार्रवाई हुई है, मेरे खिलाफ़ गलत तरीके से एक प्रतिक्रिया दिया गया है और उसके बाद फिर मुझे प्रताड़ित किया गया है। मैं चाहता हूँ इन सब चीज़ों की एक निष्पक्ष तरीके से जाँच हो और मुझे जो भी एक न्याय की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत मुझे प्रॉपर न्याय मिले, क्योंकि मैंने कोई गलत काम आज तक नहीं किया है और ना ही गलत कामों में मैं कहीं से सम्मिलित। नमस्कार, मैं उस्मैन अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। ब्रेकिंग न्यूज, जनपद जलोन और आज शहर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आज शाम 7 बजे लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। संवाददाता उपेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट।